आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर। आज की चर्चा का विषय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिया गया शब्द तथ्य फैक्ट। इसका आशय कोई कार्य, कोई बात या अवस्था तथ्य का संबंध साक्ष्य से है, सबूत से है, एविडेंस से है, यानी अदालत में जब गवाह या कोई बचा पक्ष का गवाह न्यायालय के समक्ष वो बातें कहना चाहता है, तब रोजाना की बोलचाल की भाषा में हम उसे तथ्य कहते हैं। तथ्य में दो बातें शामिल की गई हैं, दो भाषा बातों से परिभाषित किया गया है, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिन्हें हम इंद्रियों से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर दो, कोई मानसिक ज्ञान, मेंटल नॉलेज, भान जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इन दोनों बातों को तथ्य में शामिल किया गया है। तथ्य किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, किसी व्यक्ति ने किसी घटनाक्रम में कुछ बातें सुनी, घटना या वाद विवाद में लोगों के वार्तालाप या बातों का आशय रहा, कोई नियत रही या कोई आशय बड़ा सद्भावना पूर्व किसी व्यक्ति का था या उसका आशय कपटपूर्वक था या उस मामले के बीच में कोई विशिष्ट बात थी या दो व्यक्तियों के बीच में विशिष्ट शब्द थे या कोई मानसिक दशा थी, तो इन बातों को तथ्य में शामिल किया गया है। व्यक्ति के मानसिक दशा और स्वास्थ्य को भी तथ्य में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई घटना देखी जाती है लेकिन इस बात को भी साबित किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो घटना देख रहा है उसकी नजर उतनी दूरी तक देख नहीं सकती थी, इस नजर का बाद में ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, इससे पहले घटना थी वो देखने में सक्षम नहीं था। या कोई व्यक्ति किसी को लाठी से मारता है, वो व्यक्ति इतना कमजोर है कि उसके स्वास्थ्य की दशा इतनी कमजोर है कि वो लाठी उठा ही नहीं सकता, अथवा वो व्यक्ति बीमारी के कारण चारपाई पर रहता है, तब कैसे मार सकता है। ऐसी स्थितियां, ऐसे ज्ञान, ऐसी बातें जिनकी हमें जानकारी होती है, दो व्यक्तियों के बीच कोई घटनाक्रम होता है तब दोनों पक्ष से न्यायालय के सामने ये बातें रखी जा सकती हैं जिन्हें हम तथ्य कहते हैं। तथ्य शब्द बहुत प्रयोग होता है, वकील, कचहरी, जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं वो लोग इस शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। हम इस शब्द से बहुत सारी बातों को समझ जाते हैं। मेरा आशा इस तथ्य को आपके सामने रखने का यह है कि आम लोगों तक ये शब्द पहुंचे, इसकी जानकारी लोगों तक हो और लोग इस भाषा को ठीक से समझें, ये उनके लिए अपरिचित शब्द न रहे। यदि आपको मेरे वीडियो में
कोई बात पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरा समर्थन कर सकते हैं, इसके संबंध में पूछ सकते हैं, मैं आपके विचारों भावनाओं का स्वागत करता हूं और उसका उत्तर देने के लिए मैं तत्पर हूं। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।